हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक रेनी सीज़न सीरीज़ चला रही हूँ और रेनी सीज़न के ऊपर ही मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड भी किए हैं और मैंने कई सारे प्लांट्स की कटिंग को भी ग्रो करना आपको बताया है और आगे भी बताती रहूँगी। जो भी मुझे कटिंग्स मिलेंगी उनकी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने का जो हमारा प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है, लेकिन जो हमारे न्यू गार्डनर्स हैं वो जब हमारे कटिंग को सर्च करते हैं कि हमें बुगेनविलिया की कटिंग कैसे लगानी है या हमें इस प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है, तो जब वो सर्च करें तो उनके पास वो वीडियो अवेलेबल हो, इसलिए मैं अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग वीडियो बनाती हूँ कटिंग को लेके। और फ्रेंड्स, आज भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, हमारे जो येलो बेल्स बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर प्लांट हैं, येलो बेल्स जिसे गौरी चोरी भी कहते हैं, उस प्लांट की कटिंग को मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि उस प्लांट की कटिंग को हम कैसे लगा सकते हैं। और कटिंग लगाते समय जो भी मुझे बातें ध्यान आएंगी उस प्लांट को लेके, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, ये है हमारा टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी कटिंग हम इस समय रेनी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं और इस पे मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड किया है कि हम कौन कौन से प्लांट्स की जो है कटिंग इस समय अपने मानसून में डेवलप कर सकते हैं और कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं हमारे रेनी सीज़न के। और फ्रेंड्स, उनमें से एक हमारा येलो बेल्स है जो हमें ड्यूरिंग टू समर एंड ड्यूरिंग टू रेनी सीज़न हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है और इस समय आप उसके कटिंग को लगा सकते हैं और वो बहुत ही ईजली आपका ग्रो भी हो जाएगा और आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बरसात में जो भी कटिंग लगाते हैं तो वो 100% सक्सेस रहती है अधिकतर, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी बनी रहती है और जब हमारे वातावरण में नमी रहती है तो हमारे जो भी ब्रांचेस जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो उनका मॉइस्चर लेवल जल्दी से खोता नहीं है और वो अपने रूट्स को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम वही कटिंग समर में लगाते हैं तो इतना गर्मी होने की वजह से उनमें जो है मॉइस्चर लेवल वो ख़त्म हो जाता है और वो कटिंग हमारी सूख भी जाती है। पर बरसात में फ्रेंड्स, आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगाएं, चाहे वो हमारे कनेर का हो, हेबिस्कस का हो या कोई भी प्लांट की कटिंग हो, आप उसे बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे भी टेरेस गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने सिर्फ कटिंग से ही ग्रो किया है। हर प्लांट को आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स आप कटिंग में भी रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए सामने हमारा जो ये येलो वाला अलमांडा है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारा पिंक वाला, इसकी हाइट तो काफ़ी ऊपर हो गई है तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये जो हमारा येलो बेल्स है बिल्कुल अलमांडा के ही फ्लावर जैसा होता है। और फ्रेंड्स, इसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं, तो हमारे अलमांडा में तो एक दो फ्लावर ऐसे जो कलियां बनती हैं खिलती हैं, लेकिन जो हमारा येलो बेल्स है इसमें जब आपको फ्लावर मिलेंगे तो बंचेस ऑफ फ्लावर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे पास सामने जो है ये कटिंग पड़ी हुई है और ये मेरे ही एक प्लांट की टहनी है जो टूट गई है और मैं इसे बिल्कुल इस तरीके से फेंकना नहीं चाहती थी और मैंने सोचा इसकी कटिंग ही लगा लेती हूँ और जितनी भी कटिंग मुझे मिल पाएगी मैं इससे कटिंग बिल्कुल लगा लूँगी 8-10, और बाकी जिसे भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं प्लांट उनको दे दूँगी, अपने रिलेटिव्स को दे दूँगी। तो इस तरीके से ब्रांचेस को क्यों फेंका जाए और क्यों वेस्ट किया जाए, तो अगर आपको इस तरीके का ब्रांच कहीं भी मिलता है येलो बेल्स का तो आप बिल्कुल उसे ले आइए और उसकी कटिंग को लगाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें से कुछ कटिंग निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ ब्रांचेस जो हैं इसके निकाल ली हैं, और ये जो ब्रांच है वो काफ़ी मोटा है और मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। हमें जब भी कटिंग लगानी है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जैसे पेंसिल की मोटाई होती है, ये कटिंग हमारी काफ़ी सही है। बस इतनी ही मोटी ब्रांच हमें लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक ये भी लगाऊंगी, ये जो थोड़ा है मेरा ये है, थोड़ी मोटी है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसमें देखें तो इस तरीके से ये देखिए, और इस समय बिल्कुल इसमें रूट जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा, और इसलिए मैं ये भी लगाने वाली हूँ। और ये सारे जो ब्रांचेज हैं, मैं इन सबको जो है ये देखिए, ये सारे जो है मैं लगाऊंगी। और ये ब्रांच मेरी बहुत ही पतली है, ये देखिए, तो आप अगर आपको लगाना है तो इतनी पतली ब्रांच नहीं लेनी है फ्रेंड्स, आप मीडियम साइज़ का ब्रांच लें इस तरीके का, और ये जो आपकी कटिंग है काफ़ी 100% सक्सेसफुल रहेगी। तो मैं तो ये सारी लगाने वाली हूँ, मैं वेस्ट नहीं फेंकना चाहती, मैं लगा के देखूँगी ये पतली वाली भी और ये वाली भी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कैसे लगा सकते हैं हम इसे। और इसके लिए फ्रेंड्स, जो ये मैंने पॉटिंग मिक्स लिया है, ये इसमें जो है मेरा गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड की बराबर मात्रा मिली हुई है, और इसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कटिंग लगाएं तो वो वेल ड्रेन सॉइल लें, जिसका सॉइल मीडिया काफ़ी ही अच्छा पोरस हो, और आप इसे और कोकोपीट में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो सॉफ्ट मीडिया आपको यूज़ करनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी जो मैंने लीव्स हैं ये सारी निकाल दी हैं, और इस तरीके की पतली पतली टहनियाँ, इनका कोई काम नहीं है, ये सब मैंने हटा दिया है, अलग कर दिया है, और हमारी कटिंग जो है वो रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का रूटिंग हार्मोन जो है आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैंने कई सारे वीडियो में आपने बताया है जो भी कटिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं अलग अलग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वीडियो मैं अलग अलग प्लांट की इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको भी सर्च करने में आराम हो, और जो भी प्लांट की आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल उसे सर्च करें, उस फ्लावर प्लांट का नाम लिख के, और आपको वो जो है वीडियो अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने हाल ही में अभी गुलदाउदी की, हेबिस्कस की, कनेर की, तो बहुत सारे प्लांट्स की मैंने कटिंग लगाना शेयर किया है। तो जो भी प्लांट्स की आप कटिंग लगाना चाहते हैं और उसका वीडियो देखना चाहते हैं, आप उसे देख सकते हैं। और लगभग अगर मैंने किसी भी प्लांट की नहीं बताई है तो फ्रेंड्स, मेथड बिल्कुल सेम है, और रेनी सीजन में आप बहुत ही अच्छे से अपनी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कि कैसे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप अपने किचन से दालचीनी का पाउडर या हल्दी का पाउडर या फिर शहद यूज़ कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन की जगह पे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें क्या करना है, अपनी जो इस पर जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो देखिए, मैंने सारी लीव्स को हटा दिया है, सारी एक्स्ट्रा लीव्स को हटा देना है, और इसे 45 डिग्री में आपको कट करना है, बिल्कुल शार्प टाइप आपको यूज़ करनी है। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आपको सीधी कटिंग लगानी है, जो ब्रांच ऊपर की ओर थी वो ऊपर की ओर ही लगानी है और नीचे वाली ब्रांच नीचे की ओर ही लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ लीव्स इस तरीके से छोड़ दिए थे कि मुझे पता रहे कि मेरी कौन सी ब्रांच नीचे की साइड की है। और अब फ्रेंड्स, ये रूटिंग हार्मोन में हम इसे बहुत ही अच्छे से डिप कर लेंगे इस तरीके से, और टैप करके एक्स्ट्रा जो है वो सारे हम निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये डिप हो गया है, और इसे बिल्कुल हार्डली आपको नहीं यूज करना है, इसी से आपको नहीं करना है, पहले आपको इसमें होल करना है। तो पहले आप अपने उंगली से या फिर किसी स्टिक से बिल्कुल आप इसमें होल कर लें, और आपको 1.5 से 2 इंच इतनी लगभग आपको इसके सॉइल के अंदर दबानी है। और जो इसका ये नोड एरिया है, आप जब भी फ्रेंड्स लगाएं तो ये ध्यान रखें कि इसका कुछ नोड एरिया आपके सॉइल के अंदर हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये नोड एरिया से ही हमेशा रूट्स डेवलप होते हैं। तो कटिंग लगाते समय ये ध्यान रखें कि कुछ नोड एरिया आपके सॉइल के अंदर जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं एक ही प्लांटर में कई सारी कटिंग्स को लगाऊंगी, तो जो भी मेरी कटिंग सक्सेस हो जाएगी, तो मैं इतनी सारी प्लांटर तो नहीं यूज़ कर सकती फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं एक ही प्लांटर में 2 या 3 इस तरीके से कटिंग लगा लूँगी, और जो मेरी कटिंग चल जाएगी वो मैं रखूँगी, और अगर जो नहीं चलेगी उसको मैं हटा दूँगी।
और फ्रेंड्स कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी प्लांट की आप कटिंग लगा रहे हैं तो दो या चार जरूर लगा लें, उसमें से आपको एक ना एक तो आपको प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। और मैं ये छोटी पतली वाली भी लगा रही हूँ, तो इसमें मैंने दो मोटी वाली लगा दी है और ये दो मैं पतली वाली लगा रही हूँ। ये जो बड़ी सी लीव है इसको हम हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो प्लांट है ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा केयर नहीं मांगता है और बिल्कुल आपको इसकी मिट्टी पोरस रखनी है और पोरस मिट्टी में ये काफ़ी अच्छे से वेल ग्रो होता है। और जैसा कि मैंने कहा कोई भी मेंटेनेंस नहीं है और ये फ्रेंड्स एक फुल सन का पौधा है, तो आप इसे धूप में ही रखें ताकि इसके फ्लावर्स को खिलने में धूप की ज़रूरत होती है और ये प्लांट आपका वेल ग्रो हो। और फ्रेंड्स कटिंग को फ्रेंड्स अभी आपको शेमी शेडेड एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना है, मैं प्लांट की बात कर रही हूँ। और कटिंग को आप अभी शेमी शेडेड एरिया में रखें जहाँ पे सुबह की बस थोड़ी सी धूप आती हो और उसके बाद छायाओं रहता हो। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की एक दो घंटे की धूप इसे हल्की सी मिल जाए और बस ये आपका जो कटिंग है वो बिल्कुल सक्सेस रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो का टॉपिक भी आपके लिए यूज़फुल होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग जो है वो लग गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है हमारी कटिंग बिल्कुल लग गई है और इस टेबल पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगा के रखी हुई है, कनेर की और हैबिस्कस की, ये सारे प्लांट्स की कटिंग मैंने इसी टेबल पे रखा हुआ है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल जो जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए हमारी कटिंग को बिल्कुल यहाँ पे मिलता है और सुबह की थोड़ी धूप मिलती है और बाकी समय यहाँ पे छाया रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के लिए को यूज़फुल होगा हमारा ये वीडियो। और फ्रेंड्स आप भी इन बरसातों में इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्लांट्स की और खूबसूरत खूबसूरत फूलों की कटिंग ज़रूर लगा रहे होंगे और उनमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नए वीडियो के संग, नए टॉपिक के संग। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बाय।